दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। स्वागत है अपने परिवार अपने चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। हम तैयारी कर रहे थे राजस्थान का अध्ययन, जिससे हम अभी शुरू के अंदर फेमिलाइज हो रहे हैं, वो भी वन लाइनर ट्यूशन फॉर्म के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्टिव टाइप जहाँ पे समझाने योग्य होगा मैं समझाता जाऊंगा। ये जैसे ही हमारी क्लासे हो जाएगी, छठी सातवीं आठवीं की क्लास जब हमारा राजस्थान अध्ययन हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम डीपली चलेंगे, जहां से एक एक टॉपिक के हम क्वेश्चन बनाएंगे और उन क्वेश्चनों को यहां करते जाएंगे। उसके साथ ही साथ पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप पार्ट मैं आप लोगों को यहां बोर्ड पे समझाऊंगा, ताकि आपका राजस्थान की सभी वैकेंसी सभी एग्जाम जिसके अंदर यहाँ से सारा सिलेबस कवर होगा, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा और न ही बाहर जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। आज ये तीसरी क्लास है, जिसने भी पहले नहीं देखा है वो अपनी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है राजस्थान अध्ययन से उसके ऊपर जाए और सारी क्लासें आप ले ले वहां पर, और आप अभी हमारे साथ में कंटिन्यू करें, ताकि आपका वनपाल एलडीसी हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए राजस्थान का पोर्शन है उसे हम एक बार फेमिलाइज हो जाए। उसके बाद में हम सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियरली हम टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है और आज के जो पोर्शन है हमारा आज की जो क्लास है ये ज्यादातर हिस्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पर हम फेमिलाइज ही हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में बनाया हुआ है, तो एक बार छठी सातवीं आठवीं क्लास की फेमिलाइज हो जाए उसके बाद में हम बिल्कुल डीपली तैयारी करेंगे। मैं थोड़ा सा बोलूंगा इसको क्वेश्चन को थोड़ा जूम करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे जाए, अच्छे से दिखाई दे। बिल्कुल अभी आप आराम से देख पा रहे होंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक थे, जो दिल्ली का उनको शासनकाल मिला और दिल्ली के अंदर जो मोहम्मद गोरी से लड़ाई करते हुए इन्होंने चंद्रवरदाई ने गोरी के सामने के बोला हमारा जो राजा है ये अंधा होने के बाद में, क्योंकि बोला जाता है कि गोरी ने इनका पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी गई थी, लेकिन फिर भी अपना मन के अंदर बदला लेने की जो भावनाएं थी उनको प्रबल रखते हुए चंद्रवरदाई इनके कवि ने मोहम्मद गोरी के सामने शर्त रखी कि हमारा जो शेर है हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है ये अंधे होने के बाद में भी आप जो बोले वो निशाना साध सकते हैं। और इसी का एक कार्यक्रम का गठन किया गया, जिसके ऊपर मोहम्मद गोरी ऊपर 4 मंजिल 5 मंजिल के ऊपर बैठे और नीचे से शब्द भेदी बाण चलाने के लिए इनको आदेश दिया गया, जहां पर चंद्रवरदाई ने इनको शब्दों से अपने बाण को निशाना साधने के लिए बोला, ताकि आपका निशाना भी हो जाए और आपकी जो भी यहाँ पे मन के अंदर इनके प्रति बदला लेने की जो भावनाएं हैं वो भी आपकी पूरी हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा था चंद्रवरदाई ने मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, यानी कि 4 बास और 24 गज इनके ऊपर अंगुल अष्ट यानी कि 8 अंगुल अगर और रखें तो उसके ऊपर मोहम्मद गोरी है वो विराजमान है, और आज ये मौका है पृथ्वीराज चौहान आपके पास में अपना बदला लेने के लिए, और आप अपने शब्द बिंदी बांध चलाकर आज इसका अंत कर दीजिए, अपनी शपथ को पूरा कर लीजिए। तो यह वही पृथ्वीराज चौहान है, कहते हुए भी बड़ा गर्व होता है, बड़ा सीना है वो चौड़ा होता है इनके नाम लेते हुए भी सूरवीरों के। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी। इन्होंने युद्ध लड़े थे, कौन कौन से युद्ध लड़े थे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इनके मोहम्मद गोरी के साथ में, और बाकी इनका जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप पार्ट है हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे। आप अभी तक हमारा यही है 1177 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, पृथ्वीराज रासों की रचना किस कवि ने की थी, जिनकी अभी चर्चा में आप लोगों के समक्ष कर रहा था, कवि चंद्रवरदाई ने, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि जो भाषाओं का ज्ञान होता है जिनको विद्या का ज्ञान है, जो विद्या का अनुराग करने वाले राजा पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था पूरी। कितनी भाषाओं का ज्ञान था पृथ्वीराज चौहान को, 6 भाषाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक थे और इनका जन्म है वो 1417 ईस्वी के अंदर हुआ, और इनका जो राज्याभिषेक है ये 1433 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक ये
1433 ईस्वी के अंदर हुआ और इन्होंने शासन 1468 ईस्वी तक किया। 1468 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये था महाराणा कुंभाई और इनके बारे में जो ऑप्शन थे इनके बारे में भी हमने चर्चा की कर ली। तो इनका जन्म है 1417 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महाराणा कुंभा का शासन काल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक था, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। सांस्कृतिक दृष्टि से किसका शासन काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था? ये क्वेश्चन भले ही आपको इजी लग रहे हो लेकिन एग्जाम के अंदर ये काफी हमें क्वेश्चन डाउटफुल लगते हैं और डाउट क्रिएट करते हैं और आते हुए भी इन क्वेश्चनों को हम गलत कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन हर एग्जाम के अंदर आते हैं। आप लोगों को यहाँ से अपनी पूरी पकड़ मजबूत करनी है ताकि आगे की जब हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्लासें करेंगे तो वहां पर इनके नाम लेते ही आपको कुछ न कुछ इनके बारे में याद आ जाए। तो इसके अंदर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा कुंभा का शासनकाल। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है ये मेवाड़ के इतिहास में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाराणा कुंभा की उपाधियां दी गई है, यहाँ पर महाराणा कुंभा को क्या क्या उपाधियां दी गई थी? क्योंकि इनको ये सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग था, यहाँ पर बहुत प्रकार की संस्कृति है वो फलीभूत हुई। तो महाराजा धीराज, राय रायरन और महाराणा राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु, ये जो उपाधियां हैं ये महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। आपको एग्जाम में पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। महाराणा सांगा जिनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी में था, इनका वास्तविक नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम ये याद नहीं कर पाते हैं या आते हुए भी हम गलत कर देते हैं डाउट होने के कारण से। तो महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। क्या था? संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, यानी कि हसमत वाला शासक मतलब ताकतवर शासक, किसको जाना जाता है या उन्होंने किसके लिए ये बोला था या किसके पुकारा था? हसमत वाला शासक कहकर किसको पुकारा था फारसी इतिहासकारों ने? तो ये था मालदेव, जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, इनको हसमत वाला शासक कहकर फारसी इतिहासकारों ने पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। राव मालदेव का शासन मारवाड़ का कौन सा काल कहलाता है, कैसा युग कहलाता है? तो ये शौर्य युग कहलाता है। कैसा? शौर्य युग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौर्य युग। राव मालदेव का शासन काल है वो मारवाड़ के इतिहास में शौर्य युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। आप लोगों को मैं बताऊं महाराणा प्रताप के बारे में, रोंगटे खड़े कर देती है इनकी जब जीवनी, इनके जो छंद, इनके जो दोहे जो लिखे हुए हैं वो अगर हम जब पढ़ते हैं, लड़ो गणु सयो गणु मेवाड़ी मान बचावण ने, पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने, ये आपने सुना होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मन भावक और मन को एक जग जोर देने वाली जो कविता है इनके बारे में, पूरी कविता मैं आप लोगों को मुंह से आप लोगों को गा के सुनाऊंगा इसको जब हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हूँ लड़ियो गणु हूँ सयो गणु मेवाड़ी मान बचावण ने, मतलब के मैं खूब लड़ा और खूब सहा अकबर के आक्रमण, और उसके बाद में भी अपनी जो मातृभूमि है मेवाड़ की इज्जत और मान बचाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता बचाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं युद्ध क्षेत्र के अंदर भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी इन बेरियों के, यानी कि जो दुश्मन है अकबर की सेना या जो आक्रमणकारी है विदेशी, इनका खून बहाने के लिए भी, लेकिन फिर भी मैं आज जंगलों के अंदर भटक रहा हूँ, आज भी मैं अपनी स्वतंत्रता को स्वतंत्र करवाने के लिए, अपनी मातृभूमि को मैं पूरे जोश हवास के साथ में, पूरी संगठित सेना के साथ में आज मैं खड़ा हूँ अकबर को धूल चटाने के लिए। तो उन्होंने ये दोहा बोला था कि हूँ लड़ियो गणु हूँ सयो गणु मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाच नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, महाराजा राय सिंह को, और
ये कहाँ के शासक थे? बीकानेर के, जो बीकानेर के शासक थे महाराजा राय सिंह, इनको राजपुताने का करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपुताने का करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जय सिंह को 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया गया था, और ये उपाधि है इनको किसके द्वारा दी गई थी? तो ये शाहजहां के द्वारा दी गई थी जय सिंह को 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देश के सबसे बड़े शिलालेख 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति को किसने खुदवाया था? यानी कि सबसे बड़ी प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है पत्र के ऊपर प्रशंसा पत्र। क्या मतलब होता है प्रशस्ति का? पत्थर की शिला, पत्थर की शिलाओं के ऊपर प्रशंसा लेख खुदवाना। ये जो प्रशंसा लेख होते हैं पत्थर के ऊपर, पत्थर की शिलाओं के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, इसके बाद में ताम्र प्रशस्ति भी होती है, तांबे के जो बड़े बड़े छल्ले, बड़े बड़े जो बनाए हुए चद्दर, उनके ऊपर भी ये जो खुदवाई जाती है किसी भी राजा के प्रशंसा के संदर्भ में, तो उसको प्रशस्ति पत्र बोला जाता है या प्रशस्ति लेख बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन वापस नीचे कीजिए, महाराजा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा राज सिंह ने ये राज प्रशस्ति खुदवाई थी जो 25 शिलालेखों को जोड़कर बनाई गई थी, यानी कि 25 शिलालेखों को पूरा खुदवाया था जिसको राज प्रशस्ति बोला गई थी, ये महाराजा राज सिंह के द्वारा खुदवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये शिलालेख रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित है। ये जो राज प्रशस्ति है राज सिंह के द्वारा जो खुदवाई गई थी, इसको रणछोड़ भट्ट थे इनके द्वारा संस्कृत की जो भाषा है इसके अंदर इसको लिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जो महाराजा जसवंत सिंह है इनको महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई जय सिंह है इनको सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो इनको ये उपाधि है जो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, नक्षत्रों की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी जीज ए मोहम्मद शाही का निर्माण किसने करवाया था? आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर काफी बार आया है और आने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा ये नक्षत्रों को गणना करने के लिए शुद्ध सारणी जीज ए मोहम्मद शाही का निर्माण भी करवाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे जंतर मंतर है उनका भी निर्माण इनके द्वारा किया गया था। तो ये हम करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से जंतर मंतर कहां बना है? यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जंतर मंतर बने हुए? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जंतर मंतर कितने हैं। जंतर मंतर 5 है जो नक्षत्रों की गणना करने के लिए इनका नक्षत्रों की गणना करने के उद्देश्य से इनका निर्माण किया गया था। तो ये कहां किया गया था? सबसे पहले जयपुर, उसके बाद में दिल्ली, फिर मथुरा, फिर बनारस, उसके बाद में उज्जैन एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश में, बनारस यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, बाकी दिल्ली में है, और जयपुर है वो राजस्थान के अंदर है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर, यहाँ सभी जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था? यानी कि महाराजा सूरजमल है जो भरतपुर के जाट शासक थे, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम बदन सिंह था। क्या था? बदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर, ये वेदशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा राय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह नहीं है, अभी मैंने बताया था इसको, जय सिंह पढ़ लिया मैंने, ये सवाई जय सिंह ने,
भाई जय सिंह के द्वारा ही जंतर मंत्र अभी मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, भाई मिस्टेक हो जाता कभी, आप लोगों को कंसीडर भी करना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सवाई जय सिंह, जिन्होंने ये जंतर मंत्र वेदशालाओं का निर्माण करवाया था, जो पांच थी जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, बिहारी सप्तसही के रचयिता कवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे मिर्जा राजा जयसिंह के, जिनको अभी मैंने बताया मिर्जा राजा को, मिर्जा राजा की उपाधि है, इनको किसके द्वारा दी गई थी? ये वही मिर्जा राजा जयसिंह है जिनके द्वारा क्या किया था, बिहारी सप्तसही की रचयिता जो कवि बिहारी थे, ये इनके दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, अन्य दरबारी कवि भी थे इनके, चलो ये भी एक लाइन यहाँ पे डाला हुआ है जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ में अपनी टीम में। अन्य दरबारी राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना भी की थी, एक अन्य दरबारी कवि था इनका मिर्जा राजा जय सिंह के बिहारी के अलावा, जिनका नाम था राम कवि, जिन्होंने जय सिंह चरित्र की भी रचना की थी। किसकी रचना की थी? जय सिंह चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 20 ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यानी कि जो ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महाराजा राय सिंह के द्वारा। तो ये हमारे थे 20 क्वेश्चन आज की इस सीरीज के, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारी 6, 7, 8 की क्लास है जो राजस्थान सामान्य अध्ययन, जिसके हम फेमिलाइज हो जाएंगे राजस्थान के अध्ययन से, इसके बाद में हम डीपली चलेंगे एक एक महाराजा शासक ये जितने भी हम कर रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जहां से इनका एक भी लाइन, एक भी टॉपिक और एक भी शब्द हम पीछे नहीं छोड़ेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह बने रहेंगे, आपका समय प्यारे से बना रहेगा। अगर आपको क्लास ये सीरीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार का हिस्सा बनाएं और बने। जय हिंद, जय भारत।